तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, टाइगर थ्री को लेकर यार वो बज देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, मूवी के लिए वेट है और बहुत लोगों को वेट है। टाइगर थ्री का काम अधिकतर क्या चल रहा है, वर्ड ऑफ माउथ से चल रहा है। मतलब कुछ एक यूट्यूबर्स हैं या फिर कुछ एक जो फैंस हैं वो ज़बरदस्त इस मूवी को बूस्ट कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं और यस इसके लिए वेट भी कर रहे हैं। लेकिन हमने इस साल ऐसे भयंकर लेवल का प्यार देखा है लोगों की तरफ से अपने स्टार के लिए। लाइक पठान जब आई थी, पठान को तो इतना प्रमोशन भी नहीं किया गया था। आई थिंक जीरो प्रमोशन पे उस मूवी को रिलीज कराया गया था वाइफ ने, और वाइफ ही उसका डिस्ट्रीब्यूटर था, वही इसका प्रोडक्शन हाउस था। लेकिन टाइगर थ्री के लिए वाइफ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मार रहा है, बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ना पठान जैसी हाइप देखने को मिल रही है, ना जवान जैसी हाइप देखने को मिल रही है। और लियो तो एक या डेढ़ महीने पहले से ही जो भयंकर हाइप के साथ सेट हुआ था भाई, अमेजिंग। अभी बुक माई शो इंटरेस्ट अगर मैं देखूं तो मूवी का 9 से 10 दिन पहले ही 3,07,000 के आसपास है। आई थिंक जब लियो थी, जब जवान आई थी, इन मूवी की हाइप इस टाइम पर 4,00,000 से ऊपर हो चुकी थी। लियो का तो मैं बताऊं लगभग 6,00,000 के आसपास ये मूवी पहुंच गई थी बुक माई शो इंटरेस्ट रेट में। तो इसके लिए उतना ज़्यादा बज नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा हाइप नहीं सेट हो रही है सलमान खान के लिए। देखो, दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो ये, पिछली जो सलमान खान की जो प्रीवियस मूवीज आई हैं लगातार 3-4 जो फ्लॉप गई हैं, जहाँ से आई थिंक मुझे लग रहा है थोड़ा सा पब्लिक का, देखो डाई हार्ट फैन तो हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो हमने आदि पुरुष के टाइम प्रभास को भी देख लिया, आदि पुरुष जैसी रद्दी मूवी को भी फर्स्ट डे ओपनिंग 140 करोड़ के आसपास दिलाई थी, तो डाई हार्ट फैन का तो इस पर भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। लेकिन जो पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक होती है, जिन्हें कोई मतलब नहीं होता है, मतलब इन्हें अपने कंटेंट से मतलब होता है, एंटरटेनमेंट पर्पस से जो मूवी देखते हैं, उनको शायद इससे थोड़ा सा भरोसा उठ गया है। क्योंकि किसी का भाई किसी की जान जो आई थी नहीं कमा पाई उतना ज़्यादा। राधे मूवी आई नहीं सेट कर पाई, अंतिम मूवी आई वो भी सेट नहीं कर पाई, दबंग का जो लास्ट सिक्वल था वो भी सेट नहीं कर पाई। तो यहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ा सा ट्रस्ट जो है टूट चुका है नॉर्मल पब्लिक और सलमान खान के स्टारडम के थोड़े से बॉन्ड के बीच में। वैसे अभी 10 दिन बचे हैं एंड हु नोज, क्योंकि ऐसा है कि इस टाइम पर क्या चल रहा है, इस टाइम पर शाहरुख खान का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। आज 2nd of November है और आज फुल डे तो क्या, कल से ही मैं देख रहा हूँ #डंकी #शाहरुख खान #happybirthday SRK यही ट्रेंड कर रहा है। तो अभी एक आध दिन तो यही चलने वाला है, आज तो पूरे दिन यही चलने वाला है। तो आज तो कोई भी मूवी चाहे कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना हो, शाहरुख खान के जो फैन फॉलोइंग है और इस बार जो उन्होंने स्टारडम कमाया, जो प्यार कमाया है जनता से, तो भाई आज तो फुल डे शाहरुख खान का ही रहने वाला है। तो आज थोड़ा सा और देखने को कम मिल सकता है। लेकिन हाँ, कल से या परसों से और 5 नवंबर से जब टाइगर थ्री की एडवांस बुकिंग इंडिया में भी ओपन हो जाएगी, मतलब हर जगह प्रॉपर तरीके से एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी, तो शायद इसकी हाइप थोड़ी सी बढ़ जाए या फिर बढ़ते नजर आएगी, एकदम सरप्राइज भी कर सकती है। लेकिन इस टाइम देखा जाए तो उतनी नहीं मिल रही हाइप है, बज है। लेकिन जवान के जैसे टाइम पर पागलपन था लोगों का कि जवान मूवी कब आएगी और हम देखें, पठान के टाइम पर जो पागलपन था लोगों का, लियो मूवी के टाइम पर पागलपन था थालापति विजय के लिए, तो वो पागलपन देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी सब कुछ सही चल रहा है एक हिसाब से, नॉर्मली मूवी बूस्ट कर रही है, बट नॉट इन अ हाई फास्टिंग मोड, इन अ स्लो मोड। दूसरा, YRF ना जबरदस्त कर रहे हैं यार ओवरसीज में, कुछ एक जगह ऐसे नॉर्थ अमेरिका हो गए और यूरोप, मिडिल ईस्ट में और कुछ एक गल्फ कंट्रीज में एक दिन पहले ही मूवी रिलीज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ मूवी रिलीज हो रही है। तो USA न्यूयॉर्क का बताऊं तो 11:30 AM 11:30 AM ये मूवी रिलीज हो जाएगी न्यूयॉर्क में 11 नवंबर को, जबकि मूवी आनी है इंडिया में 12 नवंबर को, ये एक दिन पहले ही वहाँ रिलीज कर दे हैं। आई डोंट नो क्या स्ट्रेटजी इनकी चल रही है, लेकिन ऐसे ना यहाँ थोड़ा सा बज खराब हो सकता है इनका। क्यों? क्योंकि देखो, इंटरनेट के ज़माने पे कौन सी चीज़ कब लीक हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। तो वहाँ अगर मूवी रिलीज होगी तो हो सकता है यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू लोग पहले ही उस मूवी को कैच कर जाएं। जाए बाकी एल्स एंजलस का बताऊँ तो 8:30 मतलब 8:30 AM को ये मूवी रिलीज कर देंगे 11 नवंबर को। UAE में ये कर देंगे 7:30 PM शाम को 7:30 मूवी रिलीज कर देंगे। कुछ गल्फ कंट्रीज़ में ये 6:30 मूवी को रिलीज कर देंगे शाम को 6:30 6:30 PM और UK यूनाइटेड किंगडम में ये 3:30 शाम के 3:30 मूवी को रिलीज कर देंगे 3:30 PM के आसपास। एंड यूरोप में ये मूवी कर देंगे रिलीज 4:30 पर शाम के 4:30 के आसपास। अफ्रीका अगर मैं बताऊं तो अफ्रीका में 5:30 शाम को 5:30 ये मूवी रिलीज कर देंगे 5:30 PM एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, बाकी कुछ रेस्ट ऑफ द कंट्री जो भी बचेंगी, इवन ऑल्सो इंडिया, ये
वही 12 नवंबर को ही, जो नॉर्मल शेड्यूल उन्होंने सेट करके रखा है, 12 नवंबर को यही मूवी रिलीज कर देंगे इंडिया में। सुबह 7 बजे से ये मूवी रिलीज हो जाएगी। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए बहुत बेसब्री से लोग इंतजार भी कर रहे थे, वो ओपन भी हो चुकी है। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में मान लीजिए मेजोरिटी जो पब्लिक ज़्यादा हो जाएगी तो ये और जल्दी ओपन भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो क्या है कि 7 बजे ही ये थिएटर हाउस ओपन करे जाएंगे, लेकिन जवान के टाइम पर हमने क्या देखा था कि कई जगह 12 बजे, सुबह के 12 बजे, मतलब रात के 12 बजे से थिएटर हाउस खोल दिए गए थे और 12 बजे ही शाम 4 बजे और 5 बजे सोज फुल हाउसफुल चल रहे थे। सुबह के 4-5 बजे लोग सोते हैं उस टाइम पर, तो ऐसा क्रेज था, ऐसा पागलपन था। लेकिन यही पागलपन टाइगर 3 के लिए फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रहा है। 5 नवंबर से भाई एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी, रिमाइंडर सेट कर लो डाई हार्ट फैन हो तो यार। और दूसरा ये कि जैसे जवान को लोगों ने बूस्ट किया था, अगर आप सलमान खान के डाई हार्ट फैन हो तो आप भी इसको बूस्ट करें, क्योंकि भाई बहुत खतरनाक कंटेंट आने वाला है। मनीष शर्मा का स्टेटमेंट मुझे अभी भी याद है, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि यार टीजर और ट्रेलर में हमने सिर्फ 1% दिखा रखा है, जबकि टीजर और ट्रेलर आपने देखा होगा तो जबरदस्त भयंकर खोल के दिखाया है कि मूवी में आखिर होने क्या वाला है। लेकिन उनका दावा ठोकना है कि 1% ही दिखाया है, अभी 99% कॉन्टेंट फुल बाकी है। तो कितना बाकी है वो थिएटर हाउस में ही पता लगेगा 12 नवंबर को। फिलहाल के लिए वेट करते हैं क्या होता है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।